दोस्तों शॉर्क टैंक इंडिया 3 के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत च्युइंगम के फाउंडर मयंक और मोहन से हुई। दोनों ने अपना प्रोडक्ट जजों के सामने पेश किया। इस च्युइंगम के बारे में जानकारी देते हुए मयंक ने कहा कि उनका ये प्रोडक्ट बिना किसी प्लास्टिक का इस्तेमाल किए हुए बनाया गया है, इसलिए ये सेहत को नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। आमतौर पर च्युइंगम के लिए इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक और शुगर की वजह से उसे सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, इसलिए हेल्दी च्युइंगम का नाम सुनते ही अमन गुप्ता, विनीता सिंह और बाकी शख्स ने इस प्रोडक्ट के बारे में दिलचस्पी दिखाई। अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक नया खुलासा करते हुए मयंक ने कहा कि उनके रिसर्च के मुताबिक 22 से 45 साल के लोग ज़्यादातर च्युइंगम खाते हैं। उनके इस खुलासे से नमिता चौंक गई। नमिता ने कहा कि अब तक वो सोचती थी कि बड़ों से ज़्यादा बच्चे च्युइंगम खाने में रुचि रखते हैं। इस च्युइंगम से प्रभावित होकर जब शॉक्स ने मयंक और मोहन से निवेश के लिए उनकी मांग पूछी, तब उन्होंने शॉक्स के लिए अपनी कंपनी का मूल्यांकन 10 करोड़ का लगाया और सभी शॉक्स के सामने 5% इक्विटी के लिए 50 लाख रुपये की मांग रखी। प्रोडक्ट और पिच दोनों से सभी शॉक्स काफ़ी इंप्रेस हुए, फिर भी उन्होंने दोनों के साथ नेगोशिएशन जारी रखी और आखिरकार 4 शॉक्स यानी नमिता थापर, रितेश, अमन गुप्ता और अनुपम मित्तल के साथ 4% रॉयल्टी और 10% इक्विटी के साथ 80 लाख रुपए की डील दोनों को ऑफर की गई। कुछ समय एक दूसरे से बातचीत करने के बाद दोनों ये डील करने के लिए राजी हो गए और च्युइंगम चबाते हुए शॉक्स ने शॉर्क टैंक इंडिया के लेटेस्ट एपिसोड की पहली डील साइन की। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए A to Z स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।